हेलो डियर पेरेंट्स, आज मैं आपके साथ आपके बच्चों के लिए बहुत ही आसानी से और झटपट से बनने वाली हेल्दी वेट गेन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और इस फूड को आप 8 महीने से ऊपर के बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। यकीन मानिए, इसे खाने से बच्चों का पेट भी अच्छे से भरेगा और बच्चों को नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी। और इस रेसिपी को आप सप्ताह में 3 से 4 बार बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो फिर आइए इसे बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 छोटे चम्मच। मैंने चावल लिया है, तो मैंने टुकड़ी वाला चावल लिया है। आप चाहें तो साबुत चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसे हम पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसके लिए बाउल में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आधा ग्लास के लगभग। और इसे ये देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए सेम इसी प्रोसेस से इसे 2 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। और इसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए चावल को मैंने यहाँ पर वॉश कर लिया है। और अब इसे हम थोड़ा सा छलनी के ऊपर फैला कर रख देंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो वॉश किए हुए चावल को छलनी के ऊपर डाल दिया है मैंने, और अब इसे हम फैला देंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम छलनी के ऊपर ही छोड़ देंगे। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं मुझे, और ये देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा जो पानी था वो बाहर निकल गया है। और अब इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने पैन रख दिया है और ये हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सबसे पहले वॉश किया हुआ चावल, इसे डाल देंगे और इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए इसे रोस्ट करते हुए मुझे लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हल्का ये क्रंची भी हो गया है। और इसी समय पर अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच, हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे और 1 चम्मच हम इसमें रोस्टेड चना दाल ऐड कर देंगे। और इसे मिक्स करते हुए रोस्ट कर लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। और तो ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे और ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने, और अब इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे फैला कर रख देंगे लगभग 2 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाएगा। इसके बाद हम इसका ग्राइंड करके पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें एकदम अच्छे से ठंडी हो गई हैं और क्रिस्पी भी हो गई हैं। और अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इसके लिए ग्राइंडिंग जार ले लिया है मैंने, और अब हम रोस्ट की हुई सभी सामग्री को जार में डाल देंगे। अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और सभी चीज़ों का एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और एकदम बारीक पाउडर इसका बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं। और अब इसे हम अलग बाउल में निकाल कर रख लेंगे। और इसी तरह से आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर एयरटाइट जार में भरकर रख सकते हैं लगभग 10 से 15 दिनों के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और अब आइए देख लेते हैं कि इसका फूड हमें बच्चों के लिए कैसे बनाना है। इसके लिए ये पैन ले लिया है मैंने, और सबसे पहले हम इसमें ये जो पाउडर हमने बनाकर तैयार किया है इसके 2 चम्मच पाउडर हम पैन में डाल देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास भरकर पानी, हम इसमें डाल देंगे। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से बिल्कुल लम्स फ्री होने तक। तो ये देखिए एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, और अब इसे हम गैस पर रखकर पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए मैंने इसे गैस पर रख दिया है। अब हम गैस ऑन कर लेंगे और इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, और बीच बीच में चम्मच चलाकर हम इसे चेक करते रहेंगे जिससे कि तले पर ना लगे। तो ये देखिए फूड को पकाते हुए मुझे लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हल्का हल्का ये फूलने भी लग गया है। तो इसी समय पर अब इसमें हम मिलाएंगे 1 छोटा चम्मच ड्राई फ्रूट पाउडर, इसे डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और इसे 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लिया है। टोटल मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है,
और अभी हमारा हेल्दी फूड बनकर तैयार हो चुका है छोटे बच्चों के लिए। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे और नहीं पकाएंगे। और अगर आपका फूड पकते पकते थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और फूड को हल्का सा ठंडा होने के बाद अब इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और ये लीजिए, बनकर तैयार हो चुका है आपके घर के बच्चों के लिए सुपर हेल्दी एंड टेस्टी वेट गेन फूड, जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी में भी बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। यकीन मानिए, इसे खाने से बच्चों का वज़न तेज़ी से बढ़ेगा और ये डाइजेस्ट होने में काफ़ी आसान है। इस फूड को बनाने में हमने जीरे का इस्तेमाल किया है, तो ये बच्चों को पचने में काफ़ी आसान रहेगा। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कैसी लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की नई नई और हेल्दी रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।